खबर हमीरपुर के सरीला कस्बे के खेड़ा रोड स्थित एसआर पेट्रोल पंप पर उधार तेल नहीं मिलने पर दबंगों ने सेल्समैन से मारपीट की। इस मारपीट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए और मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है मारपीट की, जहाँ आपको बता दें कि एसआर पेट्रोल पंप पर उधार तेल नहीं मिलने पर दबंगों ने सेल्समैन से मारपीट की और इस मारपीट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है हमीरपुर के सरीला कस्बे के खेड़ा रोड स्थित एसआर पेट्रोल पंप पर उधार का तेल नहीं मिलने पर दबंगों ने सेल्समैन से मारपीट की है। इस मारपीट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो इसी खबर पर देख के जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सद्दाम जुड़ चुके हैं। सद्दाम, क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों दबंगों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की? हाँ, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है खेड़ा सेला जीत के पास स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पर दबंग तेल डलवा रहा था और सेल्समैन ने जब उधार देने से मना कर दिया तो दबंग ने उसके साथ मारपीट की और धमकी भी दी, जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज भी की। हालांकि लोगों का कहना है या पेट्रोल पंप का पैसा, पेट्रोल पंप जो मालिक है उसका कहना है कि उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है और कार्यवाही के लिए मांग कर रहे थे पेट्रोल पंप के मालिक। वहीं जब प्रशासन से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि जहां तहरीर मिली है और उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जी सद्दाम, धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए।